आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर में क्यों यूज़ होता है? क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम स्टोरेज करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी यूज़ होता है। क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं वो रैम में काम होता है, तो रैम में काम होने के लिए तो कुछ शॉर्ट टाइम में स्टोरेज करना पड़ेगा, तो इसलिए शॉर्ट टाइम स्टोरेज के लिए कंप्यूटर के मेमोरी यूज़ होता है। और लॉन्ग टाइम हम लोग चाहे वो सेव करने के दो दिन तीन दिन या एक साल बाद भी देखना चाहते हैं तो हम लोग देख सकते हैं, वो है स्टोरेज बोला जाता है उसको। तो पहले आते हैं हम लोग कंप्यूटर मेमोरी। स्कूल कॉलेज के लिए बहुत सारे डेफिनेशन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ये बहुत ही हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट और राइटिंग के लिए। तो ये वीडियो पूरा तरीके से आप लोग देखिए, बहुत मज़ा भी आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा और बहुत काम का भी वीडियो ये है। कंप्यूटर मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी क्या होता है वो हम आ रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम, अभी आते हैं प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी क्या है? दोज मेमोरी विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ सीपीयू। सीपीयू से जो मेमोरी डायरेक्टली कनेक्टेड होता है वो उसको बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी है, क्योंकि विदाउट प्राइमरी मेमोरी वी कंट स्टार्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर कभी हम लोग प्राइमरी मेमोरी के बिना चला ही नहीं सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या क्या होता है? रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैम दो तरह का होता है, एस रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम, एंड रोम, पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी ईपी रोम, यूवीपी रोम मीन्स अल्ट्रा वायलेट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यूवीपी रोम। जो भी हम लोग बेसिक कंप्यूटर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें बहुत ही हेल्प होगा। इंग्लिश में डेफिनेशन दिया हुआ है। अभी आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में क्या है? HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। जो हम लोग एक्चुअली ये मेमोरी हो सकता है लेकिन हम लोग स्टोरेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मेनली है स्टोरेज। ओके, मेमोरी मेनली हम लोग टेक्निकली इसको ही बोलेंगे रैम एंड रोम। ओके, और सेकेंडरी मेमोरी में आएगा हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, BRD, ब्लूरे डिस्क, और एक है फ्लैश मेमोरी। ये भी सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज में आता है। फ्लैश मेमोरी किसको बोला जाता है? फ्लैश मेमोरी जो मेमोरी बहुत ही छोटा होता है और हम लोग पॉकेट में या बैग में लेके घूम सकते हैं, इसको बोला जाता है फ्लैश मेमोरी। पेन ड्राइव इज अ एग्जांपल ऑफ फ्लैश मेमोरी, राइट। अभी आते हैं कैच मेमोरी। कैच मेमोरी क्या होता है? ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैच मेमोरी एक कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से संभालता है। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट को, क्या ये जो कैच मेमोरी है ये स्पीड अप के लिए नहीं है, कंप्यूटर का स्पीड अप नहीं, ये जस्ट परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। परफॉर्मेंस जो है उसको एनहांस करता है, ठीक है, हैंग होने नहीं देता है। बहुत सारे रीज़न है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे इन डिटेल्स। कैच मेमोरी दो तरह का कैच मेमोरी होता है, लेवल 1 कैच, L1 कैच, और लेवल 2 कैच मीन्स L2 कैच। लेवल 1 कैच रहता है इनसाइड द सीपीयू के अंदर रहता है, उसको बोला जाता है लेवल 1 कैच, एंड लेवल 2 कैच बोला जाता है जो सीपीयू मतलब प्रोसेसर और रैम के बीच में रहता है, उसको बोला जाएगा लेवल 2 कैच। तो हम लोग अभी जो चार्ट है वो चार्ट को देखिए, चार्ट बहुत अच्छे तरीके से असेंबल्ड है, तो ये चार्ट को थोड़ा लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में आ रहे हैं। हम लोग अभी आएंगे रैम पे। रैम क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी है। तो हम लोग लिख लेते हैं रैम, फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन रैम में चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन? व्हाई रैम इज नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी? क्योंकि आंसर क्या होगा? आंसर है
रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, ये सिक्वेंशियल नहीं है। जैसे टेप रिकॉर्डर में जो बस जो हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक मेमोरी, वो सिक्वेंशियल मेमोरी है। मतलब एक गाना चलता है, उसके बाद तीन नंबर गाना में जाने के लिए दो नंबर गाने को पास करके तीन नंबर गाने में जाना है। लेकिन रैंडम मेमोरी में हम लोग जो भी चाहे वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए बोला जाता है रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई रैम इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। एक्चुअली वोलाटाइल क्या होता है, वोलाटाइल मतलब उसमें डेटा कॉन्स्टेंटली नहीं रहता है, परमानेंटली स्टोर नहीं करता है रैम। जब तक उसमें करंट या पावर हो तब तक उसमें डेटा रहता है, अगर पावर किसी भी तरह चला जाएगा उसमें से तो पूरा डिलीट हो जाएगा रैम से डेटा, इसलिए इसको बोला जाता है वोलाटाइल मेमोरी। क्योंकि जो रैम होता है ना, वो रैम एक्चुअली जो बूटिंग टाइम में, बूटिंग के टाइम में हार्ड डिस्क से जो इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल है सब रैम में आता है। एक सेकेंडली, हम लोग जो भी काम करते हैं कंप्यूटर में, गेम खेलना, इंटरनेट करना, प्रोग्रामिंग करना, ड्राइंग करना, कुछ लिखना, जो भी काम सब हम लोग रैम में करते हैं, इसलिए रैम को यूजर मेमोरी भी बोला जाता है। तो इसलिए अगर रैम भी भर्ती हो जाएगा, मतलब रैम भी फुल हो जाएगा, तो बूटिंग नेक्स्ट टाइम बूटिंग करने के लिए कोई स्पेस नहीं रहेगा, तो कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, यही सिस्टम होता है, जो रैम को फका रखो, अगर करंट ये बंद हो जाए कंप्यूटर तो ये सोच लेना कि वो नहीं चाहिए डेटा, तो इसलिए उसको क्लीन इरेज हो जाएगा डेटा, इसलिए क्या है वो वैकेंट है, रैम में डेटा करंट रहने से रहता है, करंट नहीं रहेगा तो उसमें डेटा नहीं रहेगा, इसलिए इसको बोला जाता है वोलाटाइल मेमोरी। ओके, व्हाई रैम इज कॉल्ड यूजर मेमोरी। यूजर मेमोरी क्यों बोला जाता है, वही हम लोग जब काम करते हैं तो रैम में ही काम करते हैं, जो भी करो तुम, हम लोग अगर ड्राइंग करें, कोई पिक्चर भी देखे, कोई कंप्यूटर में कोई गाना भी सुने, कोई इंटरनेट करे, कोई गेम खेलना चाह रहे, कोई ड्राइंग करना चाह रहे, कोई लिखना चाह रहे, सब हम लोग रैम पे ही करते हैं, तो इसलिए रैम को बोला जाता है यूजर मेमोरी, क्योंकि डायरेक्टली यूजर वो एक्सेस करता है। ठीक है, अगर जब हम लोग सेव करते हैं कोई फाइल को, तब उसका जो रेप्लिका होता है, उसका जो मैपिंग हो जाता है, तब वो स्टोरेज में हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव जहाँ भी हम लोग स्टोर करना चाहते हैं उधर चला जाता है, तो यूजर मेमोरी, राइट। ओके, नेक्स्ट, रैम इज कॉल्ड रीड राइट मेमोरी। क्यों रैम को क्यों रीड राइट मेमोरी बोला जाता है, क्योंकि हम लोग यूजर मेमोरी बोल रहे थे, तो यूजर क्या करता है, कभी लिखता है, कभी रीड करता है। रीड मतलब जब तो हम लोग देख रहे हैं कुछ, कोई राइटिंग देख रहा है या कोई वीडियो देख रहा है, कोई साउंड सुन रहा है, तब रीडिंग कर रहे हैं ना, तो रीड हम लोग रैम से ही करते हैं, और राइट भी हम लोग कहाँ लिखते हैं, रैम पे लिखते हैं, इसलिए रैम को रीड राइट मेमोरी बोला जाता है। हाँ, अभी आते हैं रॉम, रीड ओनली मेमोरी। मतलब क्या है, एक रीड ओनली मेमोरी मतलब हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं उस मेमोरी से, कुछ भी हम यूजर राइट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग का जो मदरबोर्ड में एक चिप रहता है रॉम चिप, जहाँ बूट लोडर प्रोग्रामिंग या बायस प्रोग्रामिंग रहता है, वो जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग को हम लोग चेंज का परमिशन नहीं है, यूज़र को चेंज का परमिशन नहीं है, तो वो सब प्रोग्रामिंग कहाँ रहता है, रॉम चिप में दिया हुआ रहता है, तो इसलिए रॉम को बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी। रॉम वीडियो से पहले ही बोल दिए थे जो सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या है, CD, DVD, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरी को मेनली स्टोरेज मेमोरी बोला जाता है। स्टोरेज मेमोरी मतलब जो डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग स्टोर करके लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं। शॉर्ट टाइम के लिए तो हम लोगों के पास रैम है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग स्टोर कर सकते हैं एंड परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को ज्यादातर स्टोरेज मेमोरी बोलते हैं। कैची मेमोरी समझते हैं। कैची मेमोरी क्या है, कैच मेमोरी अगर हम लोग डेफिनेशन देना चाहते हैं तो कैच मेमोरी में दो कीवर्ड रखना जरूरी है। क्या है, एक है कैच मेमोरी इज अ हाई स्पीड मेमोरी एंड स्मॉल इन साइज, मतलब ये बहुत हाई स्पीड मेमोरी है लेकिन साइज में स्मॉल होगा, तो ये कैच मेमोरी है। कैच मेमोरी क्या करता है, इसका काम क्या है, इंक्रीज इज यूज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर, नॉट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, इट यूज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। ओके, तो कैसे, जैसे दो टाइप का कैच मेमोरी होता है,
एक है L1 कैच एंड अनदर इज L2 कैच, एक है L1 कैच एंड सेकेंड है L2 कैच। तो L1 कैच जो होता है ना, तो L1 कैच ये CPU जो है, जो प्रोसेसर बोला जाता है, तो वो CPU है एक्चुअली, तो वो CPU के अंदर ही रहता है, तो उसको बोला जाता है लेवल वन L1 कैच। और जो और एक कैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई मदरबोर्ड कोई परचेस करेगा तो वो परचेसिंग में मदरबोर्ड का जो कैच मेमोरी है वो ऑब्वियसली देखना, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा अगर कैच मेमोरी ठीक ठाक रहेगा। तो कैसे प्रोसेसर, ये प्रोसेसर है और ये रैम है, यूजर हम लोग बोल दिए है डायरेक्टली कनेक्टेड है विथ रैम। ओके, तो यूजर हम लोग काम कर रहे हैं रैम पे, तो सपोज सोचिए हम लोग बहुत सारा काम एक साथ कर, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं इंटरनेट गेम एक साथ खोल देते हैं, बहुत हाई जो हाई जो हाई स्पीड का गेम या कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गेम जो है हम लोग ओपन कर देते हैं, उसके साथ इंटरनेट भी चलता है, उसके साथ कुछ गाना भी लगा दिए और थोड़ा वर्ड ऐसे भी कुछ खुला हुआ रहता है, सपोज पकड़ लिए बहुत सारा प्रोसेस एक साथ चल रहा है। तो उस टाइम में प्रोसेसर पूरा बिजी है, प्रोसेसर को देना चाहते हैं तो पहले कैच मेमोरी देखेगा ये बिजी है क्या नहीं, अगर प्रोसेसर बिजी है इसको आंसर मिला यस, तो ये कैच करके रखेगा, क्या ये कैच करके ये जो काम है जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को कैच करके रखेगा, वेट करेगा कब ये फ्री हो, तो ये जब भी फ्री हो जाएगा तो तुरंत इसको भेज देगा काम पे, जो डिले जो टाइम है वो तुरंत दे देगा, इसलिए हैंग भी नहीं करेगा कंप्यूटर, लेकिन प्रोसेस भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। और एक बात है, अगर कभी कभी प्रोसेसर आइडल बैठा है, सपोज प्रिंटिंग करने के टाइम में जो डीएमए होता है, सॉरी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो होता है, उस टाइम में अगर प्रोसेसर आइडल बैठा है तो क्या करेगा, रैम से जो काम है वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस रैम से लेके कैच मेमोरी प्रोसेसर में प्रोसेस करने के लिए देगा, ठीक है। तो दोनों तरह ही इसका जो कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा, दोनों प्रॉब्लम में ये कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है इस परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा और कंप्यूटर बहुत ही बेहतर रन करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी है, और सब्सक्राइब करके रखिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।